दोस्तों, सनसेट फोटोग्राफी करने के लिए या किसी भी तरह की फोटोग्राफी करने के लिए आपको सबसे पहले माइंड लगाना पड़ेगा बैकग्राउंड के ऊपर। तो हमने आज सनसेट फोटोग्राफी के लिए माइंड लगाया कि भाई हम किसी पानी के सहारे जाएं, जहाँ पानी भी दिखे और सन भी दिखे, उसके अकॉर्डिंग आप फोटोग्राफी करेंगे तो बहुत बेस्ट हो पाएगी। चलिए कुछ सनसेट के फोटो लेते हैं और आपको मैं उसके साथ साथ में टिप्स भी देता हूँ कि किस तरह से आप ब्लरी बैकग्राउंड सनसेट भी दिख जाए और अच्छे अच्छे तरह के फोटो निकाल सके। फिलहाल हमने 1.8 का कैनन का लेंस लगाया है जो 50mm है और मार्क 4 की बॉडी यूज़ करी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जय बड़ोदिया, आप देख रहे हैं अजिमडेस फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों, सन हमको दिख रहा है, बहुत सनसेट होने वाला ही है, तो हम दो चार फोटो जल्दी से जल्दी क्लिक कर लेते हैं और कैमरा की सेटिंग में आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमको ट्रिगर ऑफ कर देना है, उसके अकॉर्डिंग हमको बैकग्राउंड बना लेना है। बैकग्राउंड का ISO सेट कर लेना है, एक्सपोजर सेट कर लेना, अपर्चर सेट कर लेना कि क्या हमें अपर्चर प्रायोरिटी चाहिए। फिलहाल मैंने 1.8 की अपर्चर प्रायोरिटी कर दी। हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल डार्क है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है हमें जो चाहिए वो दिखना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट को हम फ्लैश लाइट से कवर करेंगे। अब हम हमारा ट्रिगर को ऑन करते हैं और फ्लैश लाइट जो है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डालते हैं, देखते हैं किस तरह का फोटो आता है। लाइट हमने इस तरफ लगाई है, हम थोड़ा सा पास में ले आता है लाइट को। गोडोक्स का AD200 लाइट को हम यूज़ कर रहे हैं और मेरा शटर स्पीड और जो भी हमारा कैमरे का सेटिंग होगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। यस प्रीति, रेडी हो? वेरी नाइस। पहला ही फोटो बहुत बेस्ट आया है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। हमने जो बैकग्राउंड चूज़ करा था वो बैकग्राउंड आया, लेकिन हमारी फ्लैश लाइट का पावर थोड़ा कम आया है, तो हम थोड़े फ्लैश लाइट के पावर को बढ़ा लेते हैं। 1:1 पर हम फ्लैश लाइट के पावर को कर देते हैं, ठीक है, और फ्लैश लाइट को थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट के पास में ले जाते हैं ताकि थोड़ी परफेक्ट लाइट बन जाए। ओके, वन मोर न्यू पोज, वेरी नाइस। सन को भी हमें लेना है ताकि हमें लगे कि सनसेट फोटोग्राफी कर रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा अच्छा फोटो आया एक ही बार में, और सन लाइट को हमने जो है हमारी फ्लैश की लाइट से कवर कराया कि दोनों का एक्सपोजर बराबर मिल जाए। चलिए एक दो फोटो लेते हैं। इधर आ जाओ, नीचे पानी के सहारे बैठो। सन के अकॉर्डिंग नीचे लो एंगल से एक फोटो बनाते हैं किस तरह का हमारे लगता है। लाइट का डायरेक्शन फ्रंट पे ही है। यस, रेडी, वन मोर, वेरी नाइस, वन मोर। जब भी आपका सब्जेक्ट का फेस इस तरफ हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको लाइट को चेंज कर लेना, तब आगे अच्छा फोटो लगेगा। यस, इस तरफ, यस, स्माइल, सुपर, वन मोर। आइस क्लोज हो गया थोड़ा सा, हाँ, फेस ऊपर की तरफ रखो, हाँ, थोड़ा सा फेस पे से बाल हटाओ, हाँ, यस, अब ठीक है, मस्त, बहुत बढ़िया फोटो। इस तरह से आप फोटो निकाल लेंगे तो आपका बैकग्राउंड और सनलाइट से अकॉर्डिंग हमारी फ्लैश लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम फोटो अच्छा बना सकते हैं। चलो एक रनिंग मोमेंट में लेते हैं ना। क्या दोस्तों, सनलाइट के ऊपर हमारी फ्लैश लाइट जो ज़्यादा हार्श हो जाती है, किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम आती है, तो इसकी एक ट्रिक्स और मैं आपको देता हूँ कि हमारी फ्लैश लाइट को हमको बाउंस कर देना है ताकि सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा हल्का सा इफेक्ट जाए, क्योंकि जैसे जैसे सनलाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारी जो लाइट है इसका इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा। तो इसको हम कम करते जाएंगे और इसको बाउंस करते जाएंगे तो ज़्यादा हमारी अच्छी फोटोग्राफी होगी बाउंस फोटोग्राफी से। और इससे पहले जो हमने फ्रंट फ्लैश मारी थी उस पर हमारा फोटो क्या आया था उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। वन मिनट, थोड़ा सा आ गया, हाँ, थोड़ा और आ गया, जाओ। यस, फुल फोटो क्लिक करेंगे। यस, थोड़ा सा कैमरे की तरफ फ्रंट करना, हाँ, यस, बाउंस फ्लश से थोड़ा सा हमारा लाइट का इफेक्ट कम हुआ है। हम शटर स्पीड को कम करेंगे, फ्लश को पूरा फुल पावर पर करेंगे, ISO को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे क्योंकि बैकग्राउंड की लाइट जो है कम होती गई है। बाउंस लाइट करने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी मिलेगी क्योंकि फ्रंट लाइट गिरने से थोड़ा फोटो हार्श हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम एडिटिंग से सब कुछ परफेक्ट कर लेते हैं लेकिन ओरिजिनल फोटोग्राफी यदि आप अच्छी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। चलिए एक दो फोटो और क्लिक करते हैं। वन मिनट, इस तरह भी ऑपरेट, थोड़ा पास में लाइट के पोजिंग अगर ये करना है तो आप लाइट के इस तरफ आ जाओ तो शेड नहीं आएगा, इस तरफ आ जाओ लाइट के। अब बैकग्राउंड अपन बना लेंगे, थोड़ा सा बैक जाना, लाइट को थोड़ा सा फ्रंट कर लेते हैं। ओके, हाँ, थोड़ा सा बैक। दोस्तों, ये टेक्निक वही है जो आप ऑन कैमरा फ्लैश को बाउंस करके फोटोग्राफी करते हैं, वही वाली टेक्निक है हमारी AD200 के साथ में
ऑन कैमरा नहीं है लेकिन ट्रिगर के साथ में, लेकिन इसको बाउंस करेंगे ना तो आपकी फोटोग्राफी में थोड़ा और फर्क आएगा। यस, वन मोर। यस, वापस से पोज करो। फेस का डायरेक्शन लाइट की तरफ हो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, क्योंकि जब अपना फेस इधर जाएगा तो इधर डार्क आ जाएगा, उधर लाइट इधर आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग हमको दो लाइट यूज़ करना पड़ेगी नहीं तो। यस, हाँ, बाल इस तरफ उठ रहे हैं, मस्त आ रहा है। यस, बाल ज़्यादा उठ रहे हैं। 45 डिग्री पर भी करके आप फोटो ले सकते हैं। फ्लश का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा समझना जरूरी है। जैसे हमारा सब्जेक्ट का फेस मूव होता है उसके अकॉर्डिंग हमें लाइट को भी मूव कराना है, तभी आप परफेक्ट लाइट दे पाएंगे और आपका परफेक्ट फोटो बन पाएगा। चलो, अब हमारी लाइट सनसेट तो चला गया है, तो अब हमें कुछ फ़ोटोज़ जो है इवनिंग के, जो ज़्यादा डे लाइट में भी ना हो और नाइट के भी लगे, उसके अकॉर्डिंग हम फोटो बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आओ इधर फ्रंट आ जाओ। यस, रेडी आ जाओ। हाँ, पोजिंग बनाओ। ज़्यादा हार्श लाइट आ रही है, रुको एक मिनट, कोई बात नहीं। दोस्तों, जैसे जैसे सनलाइट कम होती जा रही है वैसे वैसे हमारा लाइट का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो लाइट के इफेक्ट को भी हम धीरे धीरे कम करना है, उतना ही करना है जो हमारे सब्जेक्ट के फेस पर इफेक्ट करे, ना कि ज़्यादा हार्श लाइट करे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपोजर को कवर करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड जो है पूरा ही डार्क हो जाएगा। यस, थोड़ा क्लोज आओ, पास में आ जाओ। हाँ, यस, वन मोर स्माइल। थोड़ा और पास आ जाओ, लाइट के पास आ जाओ, आ जाओ थोड़ा और आ जाओ। यस, हाँ, वन मिनट स्माइल। हाँ, लाइट हमने कवर कर ली बराबर, अब हम फोटो क्लिक करते हैं। यस, हाँ, नाइस स्माइल। अब कैमरे को फेस नहीं करना है, अपन को इधर इस तरफ डायरेक्शन रखना है ना। यस, वन मोर। बहुत अच्छे फोटो आ रहे हैं, क्योंकि ये इसको हम हमारे हिसाब से, जैसे डे लाइट आप कैमरे में देख रहे हैं और फोटो जो है डार्क आ रहे हैं और फ्लैश लाइट से हम कवर कर रहे हैं, तो हम हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सपोजर को और लाइट को कवर कर रहे हैं। हाँ, आराम से। हाँ, इस हाथ को उठने पे लो। हाँ, थोड़ा सा बेंड करो हाथ को। हाँ, यस, गुड। एक बार इधर कैमरा इस तरफ लाइट फेस इधर करो। हाँ, वन मोर लाइट, आइज क्लोज होगा। Nice. दोस्तों, इस तरह से आप बैकग्राउंड को ISO से कवर करके, मतलब कि ISO से आपका बैकग्राउंड बनाकर और अपर्चर से आप बैकग्राउंड को ब्लरी बनाकर और उसके बाद आपके सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे कि सब्जेक्ट के ऊपर जो हमें लाइट मारना है, जो एक्सपोजर देना है हमें, उसको आपको फ्लैश लाइट से कवर करना है, तब जाके आप बैकग्राउंड और फ्लैश लाइट सब्जेक्ट को दोनों को कवर करके फोटोग्राफी जो है अच्छी बना लेंगे। यही फोटोग्राफी आप सनसेट के साथ में भी करते हैं या फिर किसी अदर मोमेंट में भी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा इसका, और इसी तरह से फोटोग्राफी की जाती है। पहले आप अपर्चर को जो है आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बना लें कि आपको कितना परसेंट ब्लर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपर्चर को कम करें, ISO को आप बैकग्राउंड के हिसाब से बढ़ा कर रखें और कम कर रखें, ठीक है। उसके बाद आपकी फ्लैश लाइट होती है जो कि शटर स्पीड के ऊपर काम करती है, हाई सिंक सपोर्ट की फ्लैश, कोई सी भी फ्लैश आप यूज़ कर सकते हैं, और उसको आपके सब्जेक्ट के ऊपर उसी पावर के साथ में देना है जितना आपको सब्जेक्ट का एक्सपोजर चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप फोटोग्राफी को, दिन की फोटोग्राफी को नाइट की फोटोग्राफी बना सकते हैं और नाइट की फोटोग्राफी को थोड़ा दिन की फोटोग्राफी बना सकते हैं, यदि आपके पास हेवी रेंज का कैमरा है, हेवी ISO का कैमरा है।
तो दोस्तों इस तरह से आप सनसेट फोटोग्राफी करेंगे तो आपको फायदे अच्छे 100% मिलेंगे। चाहे आपके पास कोई सा भी कैमरा हो, आप ISO से कवर कर और फ्लैश लाइट के साथ में फोटोग्राफी करेंगे तो अच्छी बनेगी। यदि इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर पूछ सकते हैं, मैं आपका सोल्यूशन 100% करूंगा। यदि टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलता रहूँगा, तब तक के लिए गुड डे।